अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको तुरंत मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। गाइज, आप लोगों ने सड़क पर चलने वाला स्कूटर तो देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने हवा में उड़ने वाला स्कूटर देखा है? देखना तो छोड़ो, शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बट ये बात सच होने जा रही है। चाइना के जुहाओ डेली ने लगभग $3 मिलियन खर्च करने के बाद और लगभग 1000 टेस्ट ड्राइविंग के बाद फाइनली एक फ्लाइंग स्कूटर बना लिया है, जिसे इन फ्यूचर हम लोग इंसानी ड्रोन के नाम से भी जानेंगे। गाइज, अगर आप लोगों को ये उड़ने वाला स्कूटर मिल जाए तो क्या आप लोग टेस्ट ड्राइव लेना पसंद करेंगे? कनाडा की एक ग्लास बनाने वाली कंपनी ने एक गजब की एडवर्टीजमेंट का फॉर्मूला निकाल डाला। उन्होंने कनाडा में एक साधारण से बस स्टैंड पर एक ग्लास के अंदर 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए रखे और ये दावा किया कि जो इसे तोड़ेगा ये 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए उसके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे एक साल तक लोग ट्राई करते रहे, लेकिन 3 मिलियन तो छोड़ो, कोई $1 भी वहां से निकाल नहीं पाया। कितना गजब का तरीका था ना ये एडवर्टीजमेंट का। गाइस, इसी को बोलते हैं ना हींग लगे ना फिट करी और रंग चोखो ही चोखो। ये घटना है सन 2005 की, जब एक एरोप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान के थोड़ी देर बाद ही पायलट को समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्रंट व्हील है वो खराब हो चुका है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने का फैसला करता है, लेकिन लैंड करवाने से पहले वो प्लेन को लगातार 2 घंटे तक आसमान में ही चक्कर कटवाता है ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त उसमें आग ना लगे। और उसके बाद अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो ये कोशिश करता है कि आगे का व्हील जमीन को ना छुए, जिससे आग लगने की संभावना कम से कम हो। और ऐसा करते हुए वो 140 यात्रियों की जान बचाते हुए प्लेन को लैंड करवा देता है। तो पायलट की सूझबूझ के लिए और 140 यात्रियों की जान बचाने के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि नासा ने रिसेंटली अपने मार्स हेलीकॉप्टर का नाम रखने के लिए पूरे अमेरिका में एक प्रतियोगिता रखी? इसका नाम क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके लिए सुझाव मांगे गए। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इस प्रतियोगिता का विनर एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय लड़की विनीजा रूपानी को घोषित किया गया। उसने इसका नाम दिया इंजेन्युइटी, जिसका मतलब होता है एक ऐसी स्किल जिससे आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और नई चीजें इन्वेंट कर सकते हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन गाइस। गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगों में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगों में एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा, जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था?